Uno, così si va a cadere. Usa le gambe, si va a usa le gambe, si va a cadere. E carica la onda, si va a e ti salva. Ti salva che attendo le parole. Allora tu da quel carto che tanto a fare il complesso di Dio ce l'ha fatto. La quel carto che mi chiedo dove è? La quel carto è l'altra? Ma è successo. Con la vita giù. Con la vita giù. Con la vita giù. Con la vita तलाक था तलाक दे दिया बेचारा बड़ा उदास हो गया। गरीब आदमी हो कुल्हाड़ी जीवन का सहारा था, इसी से बाल बच्चों का पालन करता था। अब बाल बच्चों का पालन किसे होगा? बड़ा उदास था बेचारा। नीचे उतर के रोने लगा किसान, नीचे उतर के रोने लगा तलाक के पास बैठ कर। तालाब से वरुण देव का पान ले गया। वरुण देव का मतलब जल देवता, जल के जो देवता थे वहां ले गए। उस लखनारस के पास जाते हैं, अरे भाई क्यों रोते हो, क्या बात है? गुलाब आ रहा है, तीसरे नंबर गरीब आदमी हो लखनारा, जंगल से लकड़ी काट करके जीवन बसर करता, जीवन का गुजारा करता। हमारा कुल्हाड़ी गिर गया है पानी में, ठीक है कुल्हाड़ी दे देता हूँ, लाकर गोता लगाते हैं वरुण देवता, और गोता लगा करके कुल्हाड़ी निकालते हैं। सोना का कुल्हाड़ी बोल लो ये तुम्हारा है, अगर नहीं है हमारा नहीं, फिर गोता लगाते हैं, फिर चांदी का निकालते हैं, ये तुम्हारा है अगर ये भी नहीं है। तीसरा बार फिर गोता लगाया, पीतल का निकाला, बोल ये है तुम्हारा और ये भी नहीं है। चौथा बार वही लोहा का निकाले, ये है तुम्हारा कुल्हाड़ा, यही हमारा है। पसंद हो गए सत्यवादी, अकेले लो अपना कुल्हाड़ी, ले लिया, बड़ा खुश हुआ। तो बोले देखो ये सब कुल्हाड़ी में क्या करूंगा, अब तो लकड़ी थोड़ा काटता है, अब तो वरुण देवता ले जाओ, हमें जरूरत इसकी नहीं है। सोना का कुल्हाड़ी, चांदी का कुल्हाड़ी, तांबा का कुल्हाड़ी और अपना कुल्हाड़ी सब मिल गया उसको। बालो बाल हो गया, वो धनवान हो गया, अपने जीवन में सत्य बोला तो क्या हो गया, धनवान हो गया। चला गया अपना घर, बगल के जो पड़ोसी थे देखा तो बहुत पैसा वाला आदमी हो गया, मकान दुकान सब बना लिया, इसका जीवन सुखमय हो गया। हम गरीब का गरीब हूं, वो था किसान। वो सोचा कि बोला कि भाई तू कैसे धनवान हो गया, तो कहानी सुना दिया, इस तरह से लकड़ी काट रहा था, हमारा कुल्हाड़ी पानी में गिर गया था, एक आदमी आया कहा कि क्यों रोते हो, सब पुरानी कहानी सुना दिया, इसमें तो राजा हो गया। तो बोला कि अभी चला जाता हूं वही, वो भी चला गया वही, और लकड़ी काटने लगा और जान बूझ करके क्या किया, गिरा दिया कुल्हाड़ी से, रोने लगा। फिर वरुण देवता प्रकट हो गए, बोले भाई क्यों रोता है, बोलो। बोला हमारी कुल्हाड़ी गिर गया पानी में, मैं गरीब आदमी हूँ। बोला अच्छा रो, बस कुल्हाड़ी दे देता। वरुण देवता गोता लगाता है, गोता लगाया, बोलते हैं तो तुम्हारा कुल्हाड़ी है सोना का निकाले। बोला हाँ हाँ यही हमारा है। बड़े गुस्सा आया, बोला भाग, तुमको कुल्हाड़ी नहीं मिलेगा, यही नहीं मिलेगा, झूठा आदमी है, झूठ बोला है। लेकिन वो भी चला गया, जो अपना था वो भी चला गया। तो सत्य में वो जयते नारायण, सदा सत्य बोलिए, झूठ साथ नहीं बोलना चाहिए, बात बात में लोग झूठ बोलते हैं। संतोष संसार में रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, आय हाय 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 गंदे करना चाहिए, संतोष रखना चाहिए।
सबकी सेवा करनी चाहिए। ये सेठ जी थे तो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। सेठ पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण स्वामी की कथा होती थी। जब भी भगवान विष्णु को याद करते थे तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। भगवान सेठ जी ने कहा कि हे प्रभु, दर्शन दे दो तो बड़ी कृपा। भगवान विष्णु दर्शन दे दिए स्वप्न में। कि भगवान एक दिन हमारे कारखाना में आ जाओ आप, तो कब आऊ? तो सोचता है कि भाई सुबह से तो साथ काम नहीं चलता है, फुर्सत तो है नहीं। तो सोचा कब फुर्सत मिलेगा, 12 बजे दिन में आ जाओ। क्या कहा? 12 बजे दिन में आ जाएगा। अब सेठ जी कारखाना साफ सुथरा करवाया, चारों तरफ पुल बिछा दिया, इत्र छिड़क दिया, पूरा डेकोरेशन कर दिया, सजावट। आज भगवान है, केला का पेट बना दिया, बहुत इंतजार कर रहे हैं भगवान हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। एक भिखारी आ गया बिल्कुल का गेट पर। सेठ जी हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमको भोजन करा दो। आप हमारा भगवान होने वाला है, तुमको भोजन दे। अपने मंत्री से कहा देखो इस बिल्कुल का हाथ पकड़ कर दुबार कर दो धक्का देकर। वो गया हाथ पकड़ कर धक्का देकर के निकाल दिया। बोला भाग या रोटी नहीं, उसका भगवान आने वाले। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, रात के 12 बज गए। भगवान को खूब गाली दिया और गाली देकर फिर सो गया। फिर स्वप्न देखता है भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है। भगवान आज आए हैं आप, अब दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं किया था, आप ही पर विश्वास किया था, आप सत्तर हैं भगवान में, लेकिन आप भी झूठ बोलते हैं, आप नहीं आए। बोले बेटा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो आया था लेकिन तू हमको बचा रहा है। बोले झूठ बोलिएगा। बोले झूठ नहीं बोलता मैं। बोले आप झूठ बोलते, आप कहां पागल गया है? बोला अरे भिखमंगा जो आया था कि नहीं बोलो। बोला हाँ भिखमंगा जो आया था, तो बोला उसी रूप में तो मैं आया था, तू नहीं पहचाना हमको, फिर कब दर्शन दोगे? कहा दर्शन कब बुलाते हो बोलो। बोला फिर आ जाना 12 बजे 3 बजे आना फिर। बोला ठीक है, अब सावधान रहूंगा, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, भगवान आएंगे भगवान आएंगे। एक विधवा मत आ गई, रोने लगी, सेठ जी सेठ जी हमारी बेटी की शादी होने वाली है, हमारा पतिदेव नहीं है, मैं तो विधवा हूं, 10,000 रुपये की जरूरत है, आप दे दें, झाड़ू पोछा करके मैं वसूल कर दूंगी, आप विश्वास रखिए। अपने मंत्री से कहा आप पकड़ के धक्का देकर बाहर निकाल दो, हमारा भगवान आने वाले को पैसा दो। फिर 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 10 बजा, 3 सो गया। भगवान को गाली देकर फिर भगवान दर्शन देते हैं। अरे भगवान आपसे बात करने का हमारा मन नहीं करता है। बोला क्यों? बोला बार बार झूठ बोलते। बोला कहा झूठ बोला? आपने 12 बजे बुलाया था तो आया। बोला कहा आए? बोला विधवा विधवा माई जो आई थी 10,000 रुपये मंग नहीं तो था। राजा ने किस देश में नारायण मिल जाए, किस देश में भगवान मिल जाएंगे करना मुश्किल है, इसलिए सब जीवों में भगवान को देखती है। ऐसा नहीं कि मूर्ति में भगवान है, ठीक है मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन जितना जीव दिखाई पड़ा सब में भगवान। किसी को गाली मत दीजिए, किसी से निंदा मत करिए, किसी को छोटा मत समझिए और सबका भला कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तो भगवान भी आपकी भला सोचिए। तो यही सब जीवन में दो चार बात है, इसको जीवन में
याद रखना चाहिए। भूखे भजन लहोत गोपाला, अगले लोग अपनी लट्टी पाला। बहुत देर से भूखे हैं आप लोग, आप पेट का चूहा आपको लगता होगा है? तो अब सरकार भी करिएगा आपको है ना, अभी का सत्र यही खत्म करता है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। देखिए।